लाइट चकाचक, साइड लाइट चकाचक, आरजीबी चकाचक, अपन चकाचक ही है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन सा गेमिंग कीबोर्ड यूज करते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड पहला ले रहे होंगे, सो उन्हीं के लिए आज आपका भाई वीडियो लेके आए। सो आई थिंक सो ये सबसे सस्ता यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा एमकेटी की तरफ से, इवो फॉक्स कैटाना प्रो। प्राइस इसका 25,000 है, लेकिन सेल वगैरह में थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। बेस्ट बाय लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक एक पैसा यहाँ पर वसूल हो जाता है इस प्रोडक्ट से, कैसे उसी के बारे में वीडियो है पूरी, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि दिलों में बेताबी लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। वीडियो को देख के लाइक नहीं कर रहे हो तो क्यों जिंदा हो तुम। सो गाइस सबसे पहले डब्बे को खोल लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या खजाना मिल जाता है। पैकेजिंग ठीक ठाक आई है यहाँ पर अंदर से। आपको पहले तो मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाता है, कुछ स्टिकर्स भी मिल जाते हैं जिनको आप चिपका सकते हैं कहीं पे भी। अब हम बन गए हैं मैकेनिकल विजय मेहता। चलिए एक यूजर मैनुअल मिल जाती है, प्लस ये प्रोडक्ट एक साल की वारंटी के साथ आता है। एंड सारी बेस्ट बाय लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेक श्योर करना कि डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना। इसी के साथ आपको एक बोतल ओपनर भी मिल जाता है, आई मीन की ओपनर। बाकी डब्बे में कुछ नहीं। सबसे पहले बात करें फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो आपको ये जो कीबोर्ड कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। इसमें न्यूमेरिक कीज नहीं है, तो ये 10 की लेस कीबोर्ड आपको मिल जाता है। 75% वाला जो कीबोर्ड रहता है मैकेनिकल कीबोर्ड वो है ये, तो बहुत ज्यादा स्पेस आपके टेबल पे ये नहीं लेगा एंड दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। बैक साइड में आप देख सकते हैं आपको ये हनीकॉम पैटर्न टाइप का मिल जाता है। एलिवेशन स्टैंड यहाँ पर मिल जाते हैं, रबराइज टेक्सचर नीचे साइड में मिल जाता है। फ्रंट में बहुत सारी कीज मिलती है जिनको आपको आयला जादू। फ्रंट में जो ये नीचे का पार्ट है ये पूरा आपको मेटल का मिल जाता है। एंड यहाँ पर कीज जो है ये मेटलिक नहीं है, ये प्लास्टिक की कीज है। एंड इजिली ये निकल जाती हैं बाहर, इजिली अंदर चली भी जाती हैं। एंड आपने देखा यहाँ पर ये रेड स्विच के साथ आती हैं, एंड रेड स्विचेस का मतलब ये होता है मैकेनिकल कीबोर्ड में कि बहुत ज़्यादा ये जो है साउंड नहीं देती है। उससे पहले बात करें इसके वेट की, तो आपको अप्रॉक्स यहाँ पर 803 ग्राम इसका वेट मिल जाता है। वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, 1.8 मीटर की लंबी वायर मिल जाती है, प्लस ब्रेडेड केबल इसमें मिलती है। एंड इसका जो USB पोर्ट है ये भी गोल्ड प्लेटेड है। सोने का रेट चांद पे पहुंच जाएगा, हम इसे चांद पे जाके बेचेंगे कुछ भी। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, इवन टेबल में रखने में ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपके टेबल की शोभा भी ये डेफिनेटली बढ़ा देता है। अब अगला मुद्दा आता है कीबोर्ड में आने वाली कीज। तो यहाँ पर आपको सारी मल्टीमीडिया कीज फंक्शन की में इंटीग्रेटेड मिल जाती है, आप फंक्शन की को प्रेस करके यूज कर सकते हैं। टोटल 87 कीज है, न्यूमेरिक पैड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यूजुअली गेमिंग में ज्यादा काम आता भी नहीं है। इन कीज को आप इजिली निकाल सकते हैं, प्लस इसमें जो है लाइट पास हो जाती है। सो आरजीबी की जितनी भी लाइटें जलेंगी आपको इजिली अंधेरे में भी सारे अल्फाबेट सारे सिंबल्स यहाँ पर दिखेंगे कुछ इस टाइप से। आरजीबी देख के मजा आया, इसके बारे में भी लेटर ऑन बात करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं, आपको बने रहना है वीडियो में। एक और तगड़ा फीचर मिल जाता है, इसे सब्सक्राइब का यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको सब्सक्राइब वाले बटन को नीचे तुरंत दबा देना। प्लस 87 की 87 कीज यहाँ पर एंटी घुसनिंग को सपोर्ट करती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 5 की दबाए, 6 की दबाए, सारी कीज भी दबाएंगे तो सारी कीज रजिस्टर हो जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। 50 मिलियन स्ट्रोक्स तक इन कीज की लाइफ है। इस कीबोर्ड में रेड स्विच मिलता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा नॉइज नहीं करेंगे। कैसी साउंड आएगी मैं सुना देता हूं। इस बार दबाएंगे तो कुछ इस टाइप की साउंड आएगी। अल्फा टू डेल्टा यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ हम टाइपिंग कर रहे हैं, एंड इतनी टाइपिंग तेज कर रहे हैं कि हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा है हम क्या टाइप कर रहे हैं। गालियां होनी चाहिए यार। इवन इस कीबोर्ड में आपको ऑनबोर्ड मेमोरी भी मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर से अगर आपने कुछ भी यहाँ पर आरजीबी सेलेक्ट किया या कोई फंक्शन की यहाँ पर दे रखी है किसी पर्टिकुलर की को, तो वो सेव रहेगी, चाहे आप इसे प्लग से निकाल दें या प्लग में डाल दें। बस ये जो कीज के ऊपर लिखा हुआ है ये नॉन इरेजेबल, मतलब लंबे टाइम तक चलेगा। गेमिंग कीबोर्ड लेने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि उसमें आरजीबी लाइट का अलग ही तड़का मिलना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 14 आरजीबी इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर शो करा देता हूँ। इनको आप सिंपली फंक्शन प्लस इंसर्ट की से चेंज कर सकते हैं। फंक्शन प्लस डिलीट से आप कोई भी एक पर्टिकुलर लाइट सेट करना चाहें, जैसे ग्रीन चाहिए किसी भी इफेक्ट के साथ आप ग्रीन कर सकते हैं। कई लोग होते हैं उनको रंगीनियां ज्यादा पसंद है, लाल कलर की, ब्लू कलर की। इवन फंक्शन प्लस अप एरो को दबाएंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, फंक्शन डाउन एरो के साथ ब्राइटनेस कम होगी। अगर आपके इफेक्ट्स में आपको स्पीड को कम ज्यादा करना है तो वो राइट एंड लेफ्ट एरो से आप कर सकते हैं।
इवन आप फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन दबा के लाइट को टोटली ऑफ कर सकते हैं, फंक्शन प्लस पीवी बटन को दबा के व्हाइट लाइट को इनेबल कर सकते हैं। सो आरजीबी में भी यहाँ पर पूरा पैसा वसूल है। आरजीबी ही नहीं, यहाँ पर आपको चार गेमिंग मोड्स भी लाइट में मिल जाते हैं। 1, 2, 3, 4 में आपको मोबा, एफपीएस, आरपीजी एंड रेसिंग मोड मिल जाता है। जिस टाइप की भी ये गेम है उसमें जो जो कीज यूज होती है वो ही ग्लो करेंगी, बाकी सारी बंद हो जाएंगी। ओवरऑल आरजीबी का तड़का फुल पैसा वसूल इसमें आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस। मैकेनिकल कीबोर्ड आप कोई सा भी ले, सब में जो है गेमिंग तगड़ी आपको मिल जाती है। सो मैंने गेमिंग करके देखी, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही। अगर कंट्रोल का बटन थोड़ा सा बड़ा होता या ऊपर होता तो अलग मजा आ जाता। अब इस कीबोर्ड के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉफ्टवेयर काफी इजी टू यूज है। 3 प्रोफाइल मिल जाती है। 3 प्रोफाइल के बाद आपके सामने मैक्रो एडिटर मिल जाता है जिसमें आप डिफरेंट कीज असाइन कर सकते हैं। मैक्रो के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अब जिस भी की में कुछ भी असाइन करना, आपको सिंपली उस की को प्रेस करना है। यहाँ पर की असाइन मैक्रो एंड मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर की असाइन कर सकते हैं। मीडिया में जाएंगे तो अगर उस की के साथ आपको कुछ खोलना है, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू से मैं कैलकुलेटर कर देता हूँ, ओके दबाता हूँ, जैसे ही डब्ल्यू दबाऊंगा यहाँ पर कैलकुलेटर मेरे सामने खुल जाएगा। इवन नीचे लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पर वेरियस आरजीबी मोड्स को ऑन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल के साथ। उसमें कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितना आपको यहाँ पर स्पीड चाहिए, वो भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कंक्लूजन में। इस कीबोर्ड को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, गेमिंग भी बहुत ज्यादा तो नहीं की है लेकिन गेमिंग की है। अच्छा खासा रिस्पांस आपको मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी मिल जाती है। आरजीबी में पूरी यहाँ पर आपका पैसा वसूल हो जाता है। बट अगर आप टाइपराइटिंग के लिए ले रहे हैं उसमें न्यूमेरिक कीज चाहिए रहती है, उसके लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। बट गेमिंग चाहिए और अपने टेबल की शोभा बढ़ाने और एक सस्ता टिकाऊ मैकेनिकल कीबोर्ड आप ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। पूरा पैसा वसूल आपका यहाँ पर हो जाएगा। एंड आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी के अभी। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासोफाड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।